अस्सलाम वालेकुम खबरदार हज़रात। तो आज मैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो भाई आज की भी जो वीडियो है ना वो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव और बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यार आपको अगर हर वीडियो के बारे में कहता है तो यार हर वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग होती है यार, आप ज़रूर उसको एंड तक देखना, ठीक है, स्किप मत करना। और यार आप लोगों भाइयों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मुझे चाहिए, तो मुझे जो है ना 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है। तो यार आप लोग जो मेरी वीडियो देखोगे आपका काम है कि मुझे सब्सक्राइबर आपने लेके देने हैं और वॉच टाइम भी लेके देना है, ठीक है। इतनी मज़ेदार वीडियो यार देख लोगे तो कुछ नहीं जाएगा यार, फटाफट से वीडियो को देखो। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी क्लिक करना है, ताकि आप ये ना कहना यार नोटिफिकेशन नहीं मुझे मिला आपकी वीडियो का, ठीक है। तो आप फटाफट से उसको सब्सक्राइब करो। मीनवाइल मैं अपनी वीडियो की तरफ चलता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यार आज मैं आपके साथ 7 अजूबों के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि शायद मोस्ट प्रॉबली मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा। तो यार इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखो आप, यार एंजॉय करो। सबसे पहला नंबर है ताजमहल का। नाज़रीन, शाहजहां के दौर तक मुगलों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरेसगीर में फैल चुकी थी। मुगल सल्तनत के खजाने मुंह तक भरे हुए थे। मुमताज महल बादशाह की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताजमहल दरअसल बादशाह की सबसे लाडली बीवी का मजार है, जो उसने अपनी बीवी के मरने के बाद उसकी याद में बनवाया था। ताजमहल 1632 में मुमताज के मरने के बाद तामीर होना शुरू हुआ और जाके 1653 में मुकम्मल हुआ। कहते हैं ताजमहल की तामीर में तकरीबन 3,20,00,000 खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बाप को तख्त से उतार कर खुद कब्जा कर लिया और शाहजहां को कैद खाने में फेंक दिया था, जहां से वो एक खिड़की से अपनी महबूब बीवी का मज़ार देख सकता था। नाजरीन, ताजमहल के तमीर उस्ताद अहमद लाहौरी और उनके बेहतरीन कारीगरों ने की। कहते हैं कि महल की तमीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत ना बना सकें। ताजमहल आज भी आगरा यानी इंडिया में अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस यादगार अलामत को देखने के लिए इंडिया का रुख करते हैं। दूसरे नंबर पे है पीसा का टेढ़ा मीनार। पीसा का मीनार इटली के सूबे पीसा में वाकया है। यह मीनार अपनी तमीर के वक्त से ही झुकना शुरू हो गया था। 185 फुट ऊंचे मीनार की 296 सीढ़ियां हैं। इस मीनार के संगे बुनियाद 14 अगस्त 1173 को एक जंग की कामयाबी के बाद रख दिया गया था। इस मरहले में सिर्फ उसकी बुनियाद और पहली मंजिल बनाई गई थी। दूसरी बार 1178 में इसकी तामीर शुरू की गई और सिर्फ 2 और मंजिलों का इजाफा किया गया, क्योंकि मीनार के नीचे मिट्टी ने बैठना शुरू कर दिया था। इस दफ़ा तीसरी मंजिल पर आर्जी तौर पर एक बहुत बड़ा क्लॉक लटका दिया गया। 1272 में इसकी तामीर का काम एक बार फिर शुरू हुआ। आखिरकार 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल तामीर की गई। 1372 में इस पर घंटी वाला हिस्सा नस्ब कर दिया गया। इस हिस्से में कुल 7 घंटियां नस्ब हैं, जिनमें हर एक मौसीकी के 7 अहम सुरों में से एक सुर निकालती हैं। आखिरी घंटी 1655 में नस्ब की गई। 1990 से लेकर 2001 तक इस मीनार को कुछ सीधा करने और उसकी झुकी हुई सिमत को सहारा देने का काम किया गया, जिसकी वजह से मीनार जो के 5.5 डिग्री झुका हुआ था, इससे कम होकर 3.9 कर दिया गया। अजीम दीवारे चीन। नाजरीन, दीवारे चीन चीन की तारीखी शुमाली किनारों पर वाकया है। ये मशरिक से मगरिब की जानिब जाती है। ये दीवार 700 कबल मसीह बनाई गई थी। इसका मकसद शुमाल की जानिब से आने वाले मंगोलों को रोकना और उनके हमलों से बचना था। ये दीवार कई सदियों में तामीर हुई। शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। चीनी शहनशाह कुंगशी हुंग ने 206 से 220 कबल मसीह के दौरान इन तमाम दीवारों को जोड़कर बड़ा कर दिया। इसकी बनाई हुई दीवार अब तक बहुत थोड़ी बची है। दीवार की मरम्मत का काम इसकी शुरुआत से लेकर 1700 ईस्वी तक जारी रहा। आज हम जो दीवार देखते हैं वो ज़्यादातर मंग खानदान ने 1400 ईस्वी में तामीर करवाई। नाजरीन, एक और सर्वे के मुताबिक ये दीवार टोटल 21,196 किलोमीटर लंबी है।
दीवार की ऊंचाई 26 फुट और चौड़ाई 16 फुट है। कहते ये हैं कि दीवार चांद से भी देखी जा सकती है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन बहरहाल इस तवील दीवार इस दौर में इंसान की सच्ची लगन और अनथक मेहनत बयान करती है। पीट्रा, जनूबी लुबनान में वाकया ये जगह पहाड़ों को काटकर बनाए हुए मोहल्लात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पीट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि जिन पहाड़ों को काटकर ये बनाया गया है वो गुलाबी रंगत के हैं। ये इमारत 312 कबल मसीह में नबातीनी लोगों ने बनाई थी। नबातीनी लोग सऊदी अरब, लुबनान, शाम और मौजूदा इसराइल में रहते थे। अब ये जगह लुबनान की पहचान है और वहाँ का सबसे बड़ा सियाहती मुकाम है। ये जगह काफ़ी अरसे तक दुनिया की निगाहों से ओझल रही, मगर 1812 में एक स्विस माहिर सारे कदीमा जॉन लडोब ने इसे दरियाफ्त कर लिया। कोलोसियम, कोलोसियम इटली के शहर रोम में वाकया है। ये इमारत 70 ईस्वी में तमीर होना शुरू हुई और 80 ईस्वी में मुकम्मल हुई। ये मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थरों से बनी हुई है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि इसमें कमोबेश 50,000 से 80,000 अफराद बैठ सकते थे। ये इमारत इंसानों की वहशतनाक लड़ाइयों जैसे खेल तमाशे के लिए बनाई गई थी। बहरहाल 21वीं सदी में ये अब भी तबाह हालत में खड़ी है। ये इमारत कई जलजलों और पत्थर के चोरों की वजह से तबाह हो गई। कोलोसियम रोम की पहचान थी, अब ये रोम का सबसे बड़ा सियाहती और तारीखी मरकज़ है। 610 फुट लंबी और 515 फुट चौड़ी कोलोसियम इमारत तकरीबन 6 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसकी बैरूनी दीवार 157 फुट ऊंची है। चिचेन अत्ज़ा, नाजरीन चिचेन अत्ज़ा नामी ये कदीम शहर 600 ईस्वी में मेक्सिको के सूबे यकातान में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असल हालत में मौजूद हैं, मगर कई जलजलों की वजह से तबाह हो गई। ये शहर माया तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। चिचेन अत्ज़ा नाम दरअसल माया जुबान का नाम है, जिसके मानी है अत्ज़ा के कुएं के मुंह पर। माया जुबान में अत्ज़ा पानी के जादूगर को कहते हैं। ये शहर माया तहजीब का इकोनॉमिक घर था। यहाँ मंडियाँ, बाजार और बड़ी बड़ी इमारत थीं। हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने मेक्सिको की तरफ मुंह करते हैं। माचू पिचू, माचू पिचू जिसे उर्फ़े आम में अंका गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, पीरू के कस्को सूबे में वाकया है। सतह समुंदर से 7,970 फुट बुलंद है। ये शहर अंका राजा पिचाकोई ने 1438 से 1472 के दरमियान बसाया। ये अंका तहजीब का गढ़ था, मगर बदकिस्मती से अंका लोगों को ये शहर तकरीबन एक सदी के बाद ही छोड़ना पड़ा, जब स्पेनी लोगों ने यहाँ के मुकामी बशिंदों के खिलाफ जंग शुरू की। फिर तकरीबन 5 सदियाँ ये शहर तारीख के उराक में गुम रहा। आखिरकार 1911 में इस शहर को इस वक्त बैनल अक्वामी शोहरत मिल गई, जब अमेरिकन तारीख दान हरम भंगम में इसे दरियाफ्त किया गया। तब से माचू पिचू सियाहत की दुनिया में बहुत मशहूर हुआ, क्योंकि शहर की अक्सर इमारत तबाह हो गई थी। 1976 में ये फैसला किया गया कि शहर को असल हालत में बहाल किया जाए, ताकि आने वाले सियाहों को इस शहर का वजूद समझ में आ सके। नाजरीन ये काम ताहल जारी है। यहाँ की खुदाई के दौरान हज़ारों की तादाद में इंसानी खोपड़ियाँ सामने आईं, और माहिरीन का दावा है कि ये हज़ारों औरतों की खोपड़ियाँ हैं जो अनका लोगों ने अपने सूरज देवता की भेंट चढ़ा दी थी। यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, भाई इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करो यार। इस मेहनत को आपने आगे फॉरवर्ड करना ज़रूर है, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, और सेकंडली ये कि यार अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है, मतलब जेन में है, आता है कि मतलब इसके ऊपर वीडियो मुझे बनानी चाहिए या मैं आपको कोई मतलब डिलीवर करना चाहिए कुछ अपना नॉलेज, तो यार मैं ज़रूर करूँगा। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो डिलीवर करूंगा। अगर उस कमेंट में मतलब जिस टॉपिक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी ना, लाइक जो ज़्यादा लोग करेंगे तो उसको मैं
प्रेफर करूंगा, ठीक है। और उस बंदे का नाम भी लूंगा कि हाँ जी वो मैं फलां बंदे ने मुझे ये टॉपिक दिया था, तो सो एंड सो मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।